नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। वेजरिक से फंड वापस मिलेगा या नहीं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन की बहुत बड़ी अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। बेस्ट माइनिंग ऐप एमेस्टर, बेबी डोज, ये सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दो नई क्रिप्टो लॉन्च हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पकड़ के चलते हैं वजीरिक्स का। तो वजीरिक्स की अगर हम बात करें, वजीरिक्स की अगर हम बात करें, इनके ट्विटर पे आप जाइए या कहीं पे भी, तो इन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम वापस करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं लिखा है। इन्होंने सिर्फ एक बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है और कुछ भी ऐसा नहीं किया है। FIR वगैरह ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और किस्मत तो देखिए, मैंने आपको एक वीडियो दी थी 4-5 दिन पहले कि बिटकॉइन को ये कहते हैं कि $1 बिलियन का पहुंच जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले की वीडियो है, मैं दिखाता हूं आपको। ये वाली, ठीक है, ये वाली 4 दिन पहले की वीडियो है, ये आप दोनों देखिएगा, ये 4 दिन पहले की वीडियो है। अब से ठीक 5 दिन पहले मैंने वजीरिक्स में इस वीडियो को आपको देने से पहले, कुछ एक घंटे पहले, मैंने ₹1,00,000 बिटकॉइन में लगाया था। किसी ने मेरे से कमेंट्स पूछा था, कमेंट्स का जवाब उसी दिन का पड़ा हुआ वहां पे, तो वो भी मैंने बताया था कि ₹1,00,000 लगाए हैं। कमाल की बात यह है, उससे अगले दिन जिस दिन हैक हुआ, मॉर्निंग में ₹2,00,000 और हमने लगाए, ये सोचकर कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। अपना तो जैसा चल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये सोचा कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, उसी दिन लगाए। और मॉर्निंग में करीब 7 बजे वो शुरू हो जाता है जब आप बैंक से डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद करीब 2-2.5 बजे न्यूज आ जाती है कि जी वजीरिक्स हैक हो गया। अब वो फंड मिलेगा नहीं मिलेगा या कब मिलेगा या कितने परसेंट मिलेगा उसका कुछ पता नहीं है। मतलब फ़ायदा तो होता कभी, हम 2038 की बात लेके चल रहे हैं, और नुकसान यहाँ पे हो चुका है महज 5 घंटे में, ठीक है, महज 5 घंटे में। तो ये सबके साथ है, और अभी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई है जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमारा फंड वापस मिलेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। इंडियन एक्सचेंज सारे ऐसे ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट सारी ऐसे ही कर रही है। गवर्नमेंट का पता नहीं क्या मकसद है। पहले BitBNS भागा, उस पर कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। पिछले 2 साल से लोगों की करोड़ों रुपये की पेमेंट रोके हुआ है, कोई एक्शन नहीं है। अब वजीरिक्स ने ये काम कर दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि कब चलेगा, कब विड्रॉल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू होंगी, ट्रेडिंग शुरू होगी, कुछ नहीं पता है। बस गवर्नमेंट को पता है तो क्या कुछ कि टैक्स लगा दो 30%। गवर्नमेंट को 30% टैक्स के बारे में पता है और कुछ नहीं पता। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जो मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। ये मैंने 3 घंटे पहले वीडियो डाली थी, 4 घंटे ही हो चुके हैं, अभी 4:45 हुए हैं, इसलिए 4 मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 22 जुलाई का आपका कीज़ का कितने व्यूज़ हैं जी? 5 व्यूज़। लेकिन अगर मैं यही चीज़ें आपको किसी दूसरे चैनल पे जाके दिखाने लगूँ, 9,500 व्यूज़, 1,37,000 व्यूज़, तो आप ये समझिएगा कि क्या आपको जो नोटिफिकेशन मिलती है यूट्यूब की वो नहीं मिल रही, कि आप नोटिफिकेशन देखने के बावजूद भी नहीं देख पा रहे? मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे चैनल पे या कुछ भी, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, जितनी मैं कर सकता हूँ। रात को 2 बजे भी जाग रहा हूँ, रात को 1 बजे भी आपको MSTA के कोड दे रहा हूँ, सब चीज़ें जो भी मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है कि कुछ भी यहाँ पे नहीं, मतलब अर्निंग की तो छोड़िए, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप देखिए बहुत सारे लोगों का ये, तो खैर यहाँ पे देखिए 9.9 मिलियन व्यूज, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के देखिए बहुत अच्छे अच्छे व्यूज हैं, और अपने हैं कि 5 व्यूज, 3 व्यूज, 2 व्यूज, हद है बस बिल्कुल ही। अब चलते हैं बात बिटकॉइन की करने। बिटकॉइन पिछले करीब करीब 10 दिनों के अंदर काफ़ी सारा पंप कर चुका है। 7 दिनों के अंदर भी आप देखें तो 11% पंप कर चुका है, और आज $68,300+ का हाई बना के आ गया है। बिटकॉइन में रैली धीरे धीरे से स्टार्ट हो गई है, और
ऐसा धीरे धीरे से चलता रहा क्योंकि वही 4-5 महीने हो चुके हैं आपका। अप्रैल में हालविंग हुई थी, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा महीना चलने को है। तो यहाँ पे अब ऐसा लगता है कि ये जो हमारी स्पीड है अब बिटकॉइन की आगे बढ़ने की, ये आ चुकी है। और बिटकॉइन बढ़ेगा तो सब भी क्रिप्टो यहाँ पे आगे आएंगी। बात करें अगर यहाँ पे ट्रेंडिंग की, तो सोलाना देखिए, मैंने बहुत बार बोला है कि सोलाना बीएनबी आपका इन्हों आप मत छोड़िएगा। तो सोलाना को देखिए 7 दिन में 21% का पंप है, ज़्यादा नहीं, एक टोकन लेके छोड़िएगा, ठीक है। सोलाना में 21 है, डोज कॉइन में 19 है, एवलांच भी मैंने आपको परसों जो पोर्टफोलियो बताया था उसमें बताया था 21% ही यहाँ पे है इसमें भी। और यहीं पे एक क्रिप्टो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जिसे मैं और आप सब आईसीपी के नाम से जानते हैं, आईसीपी, ये रहा, 23% पंप हो चुका है और ये लगातार ऊपर चल रहा है। $5 पे आपको बताया गया था, $5.50 पे, अब से कुछ दिन पहले लगभग 1 महीने के आसपास हुआ था, $6 पे सभी को बहुत बार दिखाया भी था कि जी ले लीजिए। अभी भी कहता हूँ बहुत आगे जाने वाली चीज़ें। चलिए अब नई क्रिप्टो की ओर बढ़ते हैं। नई क्रिप्टो एक तो हुई है लॉन्च रैंडम, सप्लाई देखिए 8,70,150 की सप्लाई है, सिर्फ कुल सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 8,70,150 की यहाँ पे सप्लाई है और $2.23 का अभी प्राइस चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल हिसाब से ऊपर आया है, टोन पर बना हुआ ये क्रिप्टो है। और अगर आप बात करें कि प्रोजेक्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट एक लगभग गेमिंग की तरह का है, जो जिसमें बैट वगैरह लगाते हैं, गेम ही आप कह सकते हैं, ठीक है, गेम ही आप इसे कह सकते हैं, बैटिंग गेम, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 2 पे Eston.fi और डे डस्ट पे, यहाँ पे आपको ये मिल रहा है। अब एक और नई क्रिप्टो है जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है, प्राइस बहुत कम है, Web3 Forensics के नाम से है। तो जैसा इसका नाम है कि लैब वगैरह डाटा ये सारी चीज़ें देती है, तो इन्होंने यही कहा है, अनलॉकिंग Web3 Insight विद एडवांस क्रिप्टो डाटा, ठीक है, एडवांस क्रिप्टो डाटा। वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। प्रोवाइडिंग न्यू टूल्स एंड API फॉर यूजर्स एंड बिजनेसेस। तो प्रोजेक्ट ठीक है, अच्छा है। रोड मैप की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो रोड मैप भी इन्होंने ठीक दिया है। 27 जून 2024 को इन्होंने क्या कहा है, टोकन लॉन्च टोकन ऑन मून सेट 27 जून को हुआ है पहले, ठीक है। उसके बाद न्यू वेबसाइट प्लस मार्केटिंग ये अभी चली रही है, रेडियम लॉन्च ये सारा फेज 2 का है। अब मतलब अपना सारा कुछ इनका क्लियर है, इन्होंने दिया हुआ है, तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से लेंगे कहाँ पे, मैंने आपको ये भी बताना है कि कहाँ से आपको मिलेगा, रेडियम और जुपिटर एक्सचेंज पे आपको ये मिलेगा। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, और ये बहुत ही मतलब हम्बल रिक्वेस्ट आप इसे कह लीजिए, कि जब भी आप वीडियो देखें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और थोड़ा सा वॉच टाइम उसमें दें। ये चीज़ हालांकि बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि पहले ही स्किप हो चुके होंगे, पता नहीं क्यों। तो बहुत सा आपसे उम्मीदें हैं कि आप इस काम को करेंगे, लाइक करके और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए देखें, ताकि दोबारा से जो हमारा चैनल ये फ्रीज हुआ है यहाँ पे, उसे थोड़ा सा यहाँ पे बूस्ट मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।